अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त मिली है और अब उनसे दुनिया की सबसे पावरफुल मानी जाने वाली कुर्सी छिनने जा रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ते ही उनकी पत्नी मेलेनिया उन्हें तलाक दे देंगी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलेनिया ट्रंप की पूर्व सहयोगी स्टेफनी वेलकॉफ ने दावा किया है कि मेलेनिया विवाह के बाद से समझौते को लेकर ट्रंप से बातचीत कर रही हैं, जिसमें बेटे बैरन के साथ ट्रंप की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी की मांग की गई है। दोनों के संबंध पहले से ठीक नहीं है और व्हाइट हाउस में ट्रंप और मेलेनिया के अलग अलग बेडरूम है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व राजनीतिक सहयोगी ओमारोसा न्यूमैन ने दावा किया है कि ट्रंप और मेलेनिया की 15 साल पुरानी शादी अब खत्म हो गई है। मेलेनिया हर मिनट की गिनती कर रही हैं और ट्रंप के व्हाइट हाउस से बाहर जाते ही मेलेनिया उन्हें तलाक दे देंगी। मेलेनिया ट्रंप से बदला लेने के लिए अब कोई रास्ता खोज रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सरकार में रहते मेलेनिया ऐसा करती तो ट्रंप उन्हें मुश्किल में डाल सकते थे, इसलिए वो ट्रंप के सत्ता छोड़ने का इंतजार कर रही थी। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबा के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, वहीं प्रिवेंटिव डिस्टेंशन के तहत कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल मौजूद रहा। कंप्यूटर बाबा को 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का मन बनाया और पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कंप्यूटर बाबा को इसका तोहफा भी मिला और तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने उन्हें नर्मदा शिप्रा नदी न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब शिवराज सरकार में बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।